ये 16 तारीख की घटना है। पहली में बयान हुए, 30 तारीख में मेरी लड़की मिली है, पुलिस ने तलब करी है, लड़की पुलिस की हिरासत में रही है, पुलिस ने बयान दिलवाया जिसमें मेडिकल भी हो चुका और एक्सरे भी हो चुके। योगी जी कहने जाती है सीधा कहते हैं महिलाओं को सुरक्षा सम्मान के लिए पुलिस को दावे करते हैं लगातार, इसमें क्या कहने जाती है योगी जी, क्या कहोगी? योगी जी से हम इंसाफ मांगेंगे, सिर्फ इंसाफ मांगना चाहते हैं कि इंसाफ चाहिए। अगर आज हमारी बेटी है, कल को और भी हिंदुस्तान में बहुत बेटी हैं, अगर ऐसा ही होगा, अन्याय होगा बच्चियों के साथ में, तो कैसे जी पाएंगी ये बच्चियाँ? हिंदुस्तान की बेटियाँ कहाँ जाएंगी अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो? हमें इंसाफ चाहिए। नमस्कार, मैं आपके साथ करीम खान, आप देख रहे हैं के न्यूज एक्सप्रेस। महिला ने दो युवकों पर लगाया पुत्री का अपहरण करने का गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना कांट उमरी क्षेत्र की एक निवासी महिला ने पुलिस पर लगाए आरोपियों से हमसाज होने के गंभीर आरोप। दरअसल थाना कांट उमरी निवासी महिला ने बताया कि दो युवकों ने उनकी पुत्री को अपहरण करने का लगाया आरोप। पीड़िता ने मुरादाबाद के इंसाफ पसंद राजपथ से सम्मानित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी से की शिकायत। पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के कार्यालय पहुंची तहसील कांट थाना उमरी के मोहल्ला चौधरीयान की एक महिला के द्वारा उमरी के ही शातिर किस्म के तीन लोगों पर अपनी पुत्री के अपहरण कर 3 दिन तक दुराचार किए जाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पीड़िता महिला ने अपनी पुत्री की न्याय की गुहार लगाई। दरअसल पीड़ित महिला का कहना है कि कस्बा उमरी कला के ही दबंग शमीम याया व अन्य एक व्यक्ति द्वारा उसकी पुत्री का अपहरण कर लिया गया और अपहरण कर उसकी पुत्री के साथ दुराचार भी किया गया, जिसकी शिकायत उसके द्वारा चौकी उमरी में दर्ज कराई गई थी। इस मामले में उमरी पुलिस द्वारा अपहरण और दुराचारी जैसी घटना की रिपोर्ट छोटी धाराओं में पंजीकृत कर उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद आज पीड़िता महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद कार्यालय पर पहुंचकर अपनी पुत्री के इंसाफ के लिए न्याय की गुहार लगाते हुए दबंगों के खिलाफ संगीत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और नाबालिग बेटी को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। पीड़ित महिला का कहना है कि उसकी पुत्री के साथ दबंगों ने 3 दिन तक दुष्कर्म किया और अब उसके परिवार को दबंगों द्वारा जान से मारने व इलाका छोड़ दिए जाने की धमकी दी जा रही है। तो वहीं पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक कार्यालय पर पीड़ित महिला ने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। तो वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक देहात ने बताया कि कांट उमरी निवासी दो युवकों पर पीड़ित महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच के बाद बाकी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रेहान अंसारी। हेलो, रहने वाली हूँ। क्या हुआ? मेरी बच्ची के साथ की घटना हुई कि 16 तारीख में मेरी बच्ची को उठाया, नसीम समीम ने, और नसीम का लड़का है यहाँ तैयब मौलाना का लड़का है, इन दोनों ने मेरी बच्ची को उठाया, 3 दिन पता नहीं कहाँ रखा, 3 दिन के बाद ये गजरौला छोड़ गए। गजरौले छोड़ने के बाद 2 बजे मेरी बच्ची को दोपहर के टाइम लाए थाने में, इससे पूछगछ करी और इससे झूठे झूठे वहाँ ये कहा कि ये बयान नहीं देने, तुझे ये देने हैं। किसने बोला? ये दरोगा ने और एसओ साहब ने बोला थाने के, दरोगा है उमरी चौकी के, जिसमें मेरी बच्ची को ऊपर दरोगा साहब ने रेफर बिठाया है उस टाइम पे कि तुझे ये बयान देने हैं। पुलिस आप पे दबाव क्यों बना रही है? ये दबाव बना रही है कि उन्होंने पैसा खाया है इस पार्टी से, दूसरी पार्टी, हाँ दूसरी पार्टी से पैसा खाया है, इनसे मिली हुई है पुलिस चौकी भी और थाना भी। मुझे इस बात में इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची को 64 के बयान भी हो चुके, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। कहाँ पढ़ती है? मेरी बेटी वहीं पढ़ती थी, 8वीं क्लास में पढ़ी हुई है। आप कहाँ क्या कर रही है? जाती है? नहीं, अब नहीं जाती, 1 साल से उठी हुई है। क्यों नहीं जा रही? मैंने उठा लिया था कि माहौल अच्छा नहीं है दुनिया का ये, हाँ अब से लड़कों के चक्कर में पढ़ाई छोड़ देने, अब क्या करें हम, पता है दुनिया ये, अब से पहले समीम ने मेरी इज्जत पे भी हमला करा था। समीम को में है? कहाँ का है? समीम उमरी का ही है ये। कितने लड़के थे उठाने वाले? कितने लोगों के नाम की शिकायत दी आपने? जी हमने 2 की दी है, 2 लड़के थे, 2 की दी है। 2 की पुलिस ने अभी तक अभी कुछ नहीं करा, कोई कार्रवाई नहीं है। कितने दिन हुए? ये 16 तारीख की घटना है, 16 तारीख की घटना है। पहली में बयान हुए, 30 तारीख में मेरी लड़की मिली है, पुलिस ने तलब करी है, लड़की पुलिस की हिरासत में रही है, पुलिस ने बयान दिलवाया जिसमें मेडिकल भी हो चुका और एक्सरे भी हो चुके। योगी जी कहने जाती है सीधा कहते हैं महिलाओं को सुरक्षा सम्मान के लिए पुलिस को दावे करते हैं लगातार, इसमें क्या कहने जाती है योगी जी, क्या कहोगी आप? योगी जी से हम इंसाफ मांगेंगे, सिर्फ इंसाफ मांगना चाहते हैं कि इंसाफ चाहिए। अगर आज हमारी बेटी है, कल को और भी हिंदुस्तान में बहुत बेटी हैं, अगर ऐसा ही होगा, अन्याय होगा बच्चियों के साथ में, तो कैसे जी पाएंगी ये बच्चियाँ? हिंदुस्तान की बेटियाँ कहाँ जाएंगी
अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हमें इंसाफ चाहिए जी। क्या कहना चाहेंगे? कल भी एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसे बलात्कार करके छोड़ दिया। पुलिस पर ध्यान बनाओ, ध्यान दो पुलिस पे कि ऐसा क्यों हो रहा है बच्चियों के साथ। थाना क्षेत्र कांट के उमरी का जो मामला आप बता रहे हैं, इस संबंध में तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र अभियुक्त की गिरफ्तारी साक्ष्य के आधार पर की जाएगी और अन्य निरोधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। कितने लोग? दो लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुए हैं।